ठीक बेटा, तो लैम्डा मैग्नीशियम कितने रखे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है आपकी 106.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। सल्फेट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है 160.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। क्वेश्चन है कैलकुलेट दी लैम्डा एम इन्फिनिटी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम दी अबव गिवन टेबल। फ्रॉम अबव गिवन टेबल बताओ, ट्राई करो। एक करके मैं दिखाऊं या करके देखो एक बार ट्राई? या करके या थोड़ा देखने सा हैं। हैं, हिंट दे दो। हाँ थोड़ा सा हिंट दे दूं। देखो, जिस आयन के बारे में पूछ रही है, देखो कुलराज ला ने क्या कहा था कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, तो अगर आपको टोटल इलेक्ट्रोलाइट की अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, तो आप उसके इंडिविजुअल कैटायन और एनायन का सम कर दो, वही आपका क्या होगा, वही क्या होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट का होगा मोलर कंडक्टिविटी। क्या मतलब बेटा? देखो, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, मैं काम करता हूँ मैग्नीशियम सल्फेट का लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट है, अगर जब आप इसको डिसोशिएट करोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सिंपल सी बात है, कैसे टूटेगा? Mg 2+ के अंदर और SO4 SO4 2 2-. माइनस के अंदर। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, लेमडा फॉर मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो किसके बराबर होगी? इसके आयन्स के बराबर होगी, जितने आयन्स मिलेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम 2+ के आयन के बराबर होगी, और प्लस लैम्डा इन्फिनिटी फॉर सल्फेट आयन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की कितनी वैल्यू दे रखी है आपकी? 106.0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 160.0। इन दोनों का सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है भैया। इसी तरीके से ऊपर वाले करके दिखाऊंगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आंसर किसका आ गया आपका? लेमडा इन्फिनिटी फॉर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक मैंने करके दिखा, एक आप करके दिखाओ, फिर आगे चलते हैं। वरुण, समझ में आया बेटा जो मैंने बताया अभी? थोड़ा थोड़ा आ रहा है भाई अब। थोड़ा थोड़ा है। आयुष, आपको अभी आपका क्या स्टेटस है भाई? भैया आंसर 271.6 है, 271.6। ठीक है, आ रहा है भैया, बता फिर आंसर क्या है बेटा इसका? निकाल रहा हूँ। कैल्शियम क्लोराइड को किसमें तोड़ा, चल मुझे बता किसमें तोड़ो? कैल्शियम 2+, याद है मैंने तुम्हें, पता है मैंने जब सबसे पहले शुरुआत करी लेक्चर, मैंने यही तोड़ने सिखाए थे आपको, जोड़ने कि कैल्शियम क्लोराइड कैसे होता है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, इसकी वैलेंसी -1 है, ये मैंने आपको वहीं पर सिखाया था फर्स्ट चैप्टर से पहले, बेसिक इंट्रोडक्शन में, जो लगभग हर बच्चा कहता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है 12th क्लास के लिए कराना, लेकिन मैं इसी वजह से उस टाइम पे जो 18-20 दिन बच्चों पे लगाता हूँ ना, जो शुरुआत में एक्स्ट्रा बैच शुरुआत करके जो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था, बाद में भी अलग से पढ़ाया बच्चों को, उसके पीछे रीजन यही थी कि शुरुआत के जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो आप लोग मिस कर देते हो, आप लोग को लगता है ये 9th क्लास हमारा, अच्छा स्टेटस तो 12th का, हम पढ़ेंगे 9th क्लास का, तो कैसे टूटेगा आपका ये? और ये हर चैप्टर में जो पड़ेगी भैया आपको, हर चैप्टर के अंदर। हाँ बताओ। 271.6 ठीक है, तो लेमडा हमें किसके लिए निकालना है? पूरे इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, हमें पूरे इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, किसका निकालना है? इस पूरे का निकालना है। तो कोलराज ला ने कहा था कि आप एक काम करो, इसके आयन्स का सम कर दो, आयन्स की मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दो। अब यहाँ पर आपको 2 लेना पड़ेगा, आपको यहाँ 2 लेना पड़ेगा, क्यों? क्लोरीन कितने मिले हमें? 2 मिले, इस वजह से। तो यहाँ पर इसका कितना है, कैल्शियम कितना दे रखा है? 119.0 प्लस क्लोरीन कितना होगा? 2 × 76.3। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना? 271.6।
पॉइंट सिक्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। किसी बच्चे को अगर इनमें डाउट है तो बोलो जल्दी से, फिर आगे चलता हूँ। चले हाँ भैया। अब ध्यान सुनना, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान सुन जो क्वेश्चन देने वाला हूँ। मैंने आपको दिया, देखो आपके पास HCl की मोलर कंडक्टिविटी है, ये डाटा ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखी है आपको 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, ये पूरे HCl की दे रखी है। फिर इसी तरीके से आपको किसकी दे रखी है, सोडियम एसीटेट की दे रखी है, सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी दे रखी है आपको, ये CBSE सोल्ड एग्जाम्पल भी आपका है, ये CBSE का प्रीवियस ईयर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स आपको सोडियम एसीटेट की वैल्यू दे दी गई है, और किसकी दे दी गई है, और एक भाई साहब की ओर दी है NaCl की, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब NaCl के अंदर जब आपने भर भर के पानी भर दिया ना, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, एक्सट्रीम डाइल्यूशन कर दिया, जिस पर उसकी कंडक्टिविटी चेंज होनी बदल, ये वो वैल्यूज हैं आपकी, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, ध्यान सुनना किसकी पूछी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फ्रॉम अबव गिवन डाटा। बताओ बेटा, ट्राई करके दिखाऊं, एक क्वेश्चन में करके दिखाऊं उसे कैसे सॉल्व करना है। हाँ बेटा, मैं करके दिखाऊं इसका सॉल्व, एक बार एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान सुनना बेटा। कोलराश ला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कोलराश ला स्पेलिंग देख लेना एक बार कोलराश ला की, क्योंकि ये अजीब सी नाम हो सा इसका। देखो कोलराश ला ये कहता है कि देखो भाई साहब बात ऐसी है, आप किसका निकालना चाहते हो, देखो ध्यान सुनो, इसने कहा देखो सर आपके पास HCl है, HCl किसके अंदर टूटता है, H प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है जी। आपके पास सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट किस में टूटता है, सोडियम प्लस एसीटेट आयन के अंदर टूटता है, और आपके पास है NaCl जो किसके अंदर टूटता है आपका, Na प्लस में और Cl माइनस के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इसने जो वैल्यू दी गई है वो HCl की दी है, ध्यान सुना आपको दी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl किसका सम है, H प्लस का सम है और किसका सम है, Cl का सम है। मुझे ये बताओ क्या इस बात को मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ बेटा, बोलो बेटा जल्दी। हाँ भैया ठीक है। इसी तरीके से लैम्डा इन्फिनिटी फॉर सोडियम एसीटेट क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटी अपॉन सोडियम प्लस प्लस एसीटेट आयन, क्या ये बनेगी दूसरी इक्वेशन, मुझे बताओ। इसी तरीके से NaCl की क्या बनेगी आपकी, लैम्डा इन्फिनिटी फॉर Na प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटी फॉर सी एल माइनस, मुझे ये बताओ हर्ष ये बात समझ में आई, ये तीन इक्वेशन मैंने कैसे लिखी ये समझ में आई बेटा, मुझे ये बताओ। हाँ बेटा बोलो भाई, आगे भैया आपसे पूछी किसकी गई है, एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH इसको डिसोशिएट करो, CH3COO माइनस H प्लस यही होती है, मतलब आपको पूछी किसकी गई है, एसिटिक एसिड की, और जो क्या होता है, जो ये होता है H प्लस को पहले लिखो एसिटेट को बाद में लिखो, एक ही बात है उसमें, कोई सेम चीज है, कोई ऐसा नहीं कि H प्लस को पहले क्यों लिखा भैया ने, एक चीज है, किसी कोई किसी को आगे किसी को पीछे कोई दिक्कत। आपको इक्वेशन नंबर फोर्थ चाहिए, इक्वेशन नंबर फोर्थ में ये वाली वैल्यू चाहिए, इस बात से सेटिस्फाई हो, मुझे ये बताओ कितने बच्चे हैं जो इस बात से सेटिस्फाई नहीं है, ईमानदारी से बताओ,
आपको इन तीन इक्वेशन से, ध्यान ध्यान सुनो, इन तीन इक्वेशन से, मैंने यहाँ गलती कर दी, सोडियम लिखा था यार, इन तीन इक्वेशन से ये दो निकालने सिर्फ। तो क्या मैं कुछ ऐसा लिखूं, क्या कुछ इक्वेशंस को कुछ मैं ऐसा करूं कि जिससे मेरे ये वाले दो आयंस की वैल्यू मिल जाए मुझे? वो कैसे कर सकता हूँ सोच के देखो। मुझे राइट साइड में, ध्यान भैया से, फर्स्ट वाली इक्वेशन से तो एच प्लस की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, तो फर्स्ट, और सेकंड वाली से एन और ई, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर फिर दूं थर्ड वाली से। हाँ और थर्ड को माइनस कर दूं, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? देखो क्या होगा, ध्यान सुनना क्या होगा उससे। आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली वैल्यू लेमडा एच प्लस प्लस लेमडा सी एल माइनस प्लस, सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, लेमडा एन ए प्लस इन्फिनिटी प्लस लेमडा एसीटेट आयन सी ओ ओ माइनस इन्फिनिटी। यहां से किसे माइनस करना है, देखो ध्यान सुनना, माइनस किसी इक्वेशन को माइनस करना, तीसरी वाली को, लास्ट को, सोडियम प्लस इन्फिनिटी प्लस सोडियम सी एल माइनस इन्फिनिटी। क्या ये सब करने वाला हूँ? यहाँ से मुझे बताओ, जब मैं इक्वेशन को ओपन आउट करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, लेमडा एच प्लस इन्फिनिटी प्लस लेमडा सी एल माइनस इन्फिनिटी प्लस लेमडा सोडियम प्लस इन्फिनिटी प्लस लेमडा सी एच थ्री सी ओ माइनस इन्फिनिटी। जब ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस हो जाएगा, लेमडा सोडियम प्लस इन्फिनिटी माइनस लेमडा सी एल माइनस इन्फिनिटी। बोलो, किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो बताओ जल्दी से, फिर आगे चलता हूँ। नहीं है भैया, तो मुझे एक बात बताओ, जब सी एक प्लस का सी एल माइनस, माइनस के सी एल माइनस से कट जाएगा, इसी तरीके से प्लस का सोडियम प्लस माइनस के सोडियम प्लस से कट जाएगा, ओवरऑल जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई मेरी, लेमडा एच प्लस इन्फिनिटी प्लस लेमडा सी एच थ्री सी ओ माइनस, और ये दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये दोनों की भैया वैल्यू आंसर किस, 391 है। हाँ बेटा 391 इसका आंसर। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, आपका आंसर किस चीज के बराबर आ जाएगा, लेमडा सी एच थ्री फोर्थ वाली सी ओ ओ इक्वेशन के। माइनस। तो आपने जैसे जैसे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है, इसी तरीके से जैसे जैसे आपने इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, तो आप इसी की तरफ से इन वैल्यूज को भी सब्ट्रैक्ट करोगे। एच सी एल की वैल्यू कितनी दी गई थी, एच सी एल की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको, 426 प्लस 91 माइनस 126 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका आंसर 391, और यूनिट के साथ लिखोगे, ध्यान रखना 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बेटा, ध्यान सुनना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन एग्जाम में बड़े बेहतरीन तरीके से आते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तो बोलो, एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, एक क्वेश्चन ट्राई करोगे बेटा, मजा आएगा क्वेश्चंस में करने में, दो चार क्वेश्चन हाँ आज ही भैया चलेंगे, करें। हाँ बहुत मजा आएगा भैया, क्वेश्चंस, हाँ भैया दे दो दो। क्वेश्चंस। हाँ भाई बोलो, दे दो भैया, अगर बोर हो रहे हो तो हाँ मैं, भैया, बोर हो रहे हो तो फिर मैं रहने देता हूँ, नहीं नहीं दे दो भैया, भैया, हाँ हो जाएगा। तो चलो, हाँ क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग, मैं ढूंढ लूँ क्वेश्चन। देते हैं आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ना इंपोर्टेंट मार्क्स कर लेना, जितनी बुक्स है ना, जितने प्रीवियस ईयर, हर बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसे। काफी बार आया वो क्वेश्चन है, कर लिया पे। देखो क्वेश्चन है, लेमडा एम इनफिनिटी, देखो अब मैं लेमडा, देखो ऐसे नहीं बना रहा, अब मैं ट्राइंगल बना रहा हूं ताकि आपको आदत हो जाए कि दोनों एक ही चीज है। ये लेमडा नोट लिख रहा हूं मैं, लेमडा एम नोट फॉर एच सी एल, लेमडा एम
इनफिनाइट फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो वैल्यू दी गई है बेटा वो कितनी दी गई है 457.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसी तरीके से आपको लेमडा एम इन्फिनिटी फॉर बेरियम क्लोराइड आपको दी गई है 240.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा एक बात और ध्यान रखना, साइमन का मतलब ओम इनवर्स भी होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में पता लगे ये यूनिट ये लिखी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको आपको और एक वैल्यू दी गई है लेमडा एम फॉर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। देखो आपका ना यहाँ पर प्लस माइनस हर बच्चा करना जानता होगा, जो गलती करोगे ना आप आयन को कैसे तोड़ रहे हो, जो गलती होगी वो तोड़ने में होगी और किसी चीज़ में नहीं होगी। तो इसका आंसर है, इसका वैल्यू दे रखी 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको जो आंसर बताना है मुझे बतानी लेमडा एम इन्फिनिटी फॉर NH4OH, आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू बतानी है अबाउट डाटा से। क्वेश्चन है ये, बता बहुत ध्यान से करना, टिपिकल क्वेश्चंस में दिया था मैंने सीधा, मुश्किल क्वेश्चन दिया, आसान नहीं है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इसमें आपको काफी कुछ सोचना पड़ेगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना, जो गलती होगी सिर्फ कैलकुलेशन की होगी और किसी चीज की गलती नहीं होगी। यहाँ पर कितना प्लस कर रहे हो कितना क्या कर रहे हो गलती वहां होगी, करो ट्राई एक बार फिर मैं करता हूं। भैया हाँ बोलो, हाँ बोलो, 346.8 नहीं तुम ज्यादा ही हल्के में ले गए इस क्वेश्चन को, मुझे लगता है सर 466.6 बिल्कुल गलत है। तुम ज्यादा ही हल्के में ले गए इस क्वेश्चन को मुझे लगता है, चलो मैं कराता हूँ, अगर तुम दो दो या तीन बच्चे इंटेलिजेंट से नहीं हुआ 346.8 नहीं। और कोई किसी कोई अपनी तमन्ना आज कोई चमत्कार हो जाए तो बता दो मुझे जल्दी से। रिया आपका कितना है बेटा? भैया 216.3 शायद कुछ कैलकुलेशन गलती करी, लेकिन आप आंसर के काफी करीब हो, सिर्फ थोड़ा सा गलती है कहीं ना कहीं, देखना ज्यादा गलती है वो पता नहीं, लेकिन आंसर के नजदीक जरूर हुआ। और कोई बच्चा? रीवा बेटा आपका कितना आया? निशिता आपका? भैया 238.3 बिल्कुल ठीक है। किसने दिया ये आंसर? अंकुर ने, क्या बात है, बहुत अच्छा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कोई बच्चा जिसने ट्राई किया हो? वरुण आपने किया ट्राई? तान्या, तान्या बेटा आपने किया ट्राई? तान्या आपने किया बेटा ट्राई?
चलो देखो कर रही हूँ भैया है करो। आयुष आपने किया बेटा ट्राई अभी? हर्ष आपने किया ट्राई? 224.3 आया भैया। 23 सर 238.4 हाँ नजदीक हो काफी उसके, ठीक है लगभग 238.3 है इसका आंसर। देखो इसका आंसर क्या है देख लेना, जिसका जो है देखो मान से बता दो, इसको सॉल्व करोगे इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है लैम्डा की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी। सर मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया पहले, बस डायरेक्ट 2NH4Cl की निकाली। हाँ मैंने यही, मेरे को लग रहा था, मुझे लग रहा था यही गलती करी होगी आपने, क्योंकि आपका डबल लगभग डबल आंसर आ रहा था इसका। देखो ध्यान से देखना बेटा कैसे किया सॉल्व मैंने। सबसे पहले मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया बेटा, पहले तो मुझे बताओ अभी बेरियम हाइड्रोक्साइड को कैसे तोड़ा बेटा, अभी बेटा कैसे तोड़ा आपने बताओ जल्दी से, अभी बताओ भाई। आयुष कैसे तोड़ा आपने? डिसोशिएट, देखो डिसोशिएट ही नहीं करा हुआ ना गलत, तो आंसर तो गलत आना ही है। अगर ऐसा डिसोशिएट अगर आपने गलत तो कर दिया है तो आंसर तो ऑटोमेटिकली गलत है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बेरियम 2+ में और किस में टूटेगा? 2OH- के अंदर, क्योंकि मैंने बताया दो आगे आ जाएगा, इस पूरे के आगे आ जाता है और इस पे, ठीक है आगे देखो। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है नहीं ताने बेटा गलत है आंसर। देखो बेरियम क्लोराइड को कैसे डिसोशिएट करोगे आप लोग? बेरियम 2+ में और 2Cl- के अंदर, ये दूसरी इक्वेशन है। अब थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन है मेरी अमोनियम क्लोराइड। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा एक हिंट देता हूँ कैसे। अमोनियम क्लोराइड और Cl-, फिर है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वैल्यू हमें चाहिए, इसकी हमें वैल्यू चाहिएगी, तो ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैं आपको एक बड़ी शानदार तरीक बताता हूँ, जिसे ना ये प्लस माइनस करने में दिक्कत होती है ना कि प्लस कैसे करें माइनस कैसे करें, इक्वेशन नहीं आ रही है। देखो तरीका बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको इन दोनों की वैल्यू चाहिए और इन दोनों की वैल्यू से ये आंसर आएगा। मुझे एक बात बताओ अमोनियम किस किस इक्वेशन में है? पहली तीन इक्वेशन में अमोनियम आयन किस किस इक्वेशन में बताओ, अभी कौन सी इक्वेशन बेटा? हाँ बेटा बताओ अभी, आयुष वरुण आप बताओ, वरुण इनकी तो आवाज ही नहीं आती मेरे पास, मतलब पता नहीं कहाँ है कैसे है, फिर कहेंगे कि हम बोल के नहीं बताना चाहते। देखो हर्ष कौन सी लाइन में बताइए, कौन सी इक्वेशन में अमोनियम आयन आपके पास, अमोनियम आयन कौन सी इक्वेशन बन रहा है? थर्ड में, ठीक है ना, तो देखो इधर भैया थर्ड में। हाँ तो थर्ड इक्वेशन को आप यूज करोगे पहली बात तो, प्लस मुझे एक बात बताओ OH किस 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 इक्वेशन में है? फर्स्ट में है। अब मुझे एक बात बताओ OH आपको कितना चाहिए, एक आयन चाहिए OH, OH कितना चाहिए, एक चाहिए ना, और यहाँ पर है कितने, दो, तो इसका आधा कर दे, तो पहली इक्वेशन को ऐड करोगे लेकिन इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, मतलब हाफ करोगे। क्यों करोगे इसकी बात, इसकी रीजन समझ में आई कि हमें चाहिए तो एक था। अब देखो 3 को और 1 को मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि इन्हीं दो इक्वेशन में मेरे आयन है जो मुझे चाहिए, इसके अलावा जो इक्वेशन बच गई उसे माइनस कर दो, ठीक है ना। कितनी बचेगी हमारे पास, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन को, और इसे भी आधा करके करेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे करा, थर्ड इक्वेशन कौन सी बेटा आपकी, NH4+ Cl-, प्लस मैं आपको बताता हूँ हाफ, आपको होगा कि नहीं भैया मैं तो हाफ समझ में नहीं आया हाफ कैसे किया, ये लो मैंने हाफ हटा दिया समझाने के लिए। प्लस फर्स्ट इक्वेशन कौन सी मेरी, बेरियम 2+ प्लस 2OH-, ठीक है। अब माइनस क्या करना है, अब आपको
माइनस करना है आपको कौन सी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन कौन सी है, बेरियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो मैं यहीं के यहीं नेगेटिव को आयन खोल दूं, तो यहीं के यहीं नेगेटिव खोलूँ तो ये बेरियम नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, आप कौन से कौन, एक सेकंड बेटा कॉल आई है। हेलो, अब देखो बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को, देखो अब आप मुझे एक बात बताओ, बेरियम से बेरियम कैंसिल आउट हो गया आपका यहाँ। हाँ भैया। अच्छा क्लोरीन कितने माइनस हुए हैं? क्लोरीन एक, एक क्लोरीन यहाँ से गया, एक क्लोरीन यहाँ से गया। अब आपके पास देखो क्या बचा हुआ है, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस और दो OH माइनस बच गए हैं, है ना। दो एच माइनस से तो मैंने अलग लग दिए, और मुझे चाहिए कितना, सिर्फ ये चाहिए, देखो ये टर्म चाहिए मेरे को। हाँ भैया। अब मेरे पास एक्चुअली देखो ये टर्म ना एक्स्ट्रा आ रही है, ये दोनों टर्म, और ये जिस जिससे ज्यादा आ रही ना उसे वहीं पे आधा कर दो इसे। जैसे एक एग्जांपल देखो, जितना ज्यादा आ रहा ना उतने, इसको आधा किया, इसको भी आधा किया। अब देखो क्या हुआ, आधा करने से क्या फर्क आया, जैसे आपने हाफ से डिवाइड किया होगा क्या, देखो दोबारा बताता हूँ, हाफ से जैसे डिवाइड किया तो होगा क्या, डिवाइड वन बाई टू हुआ, ये भी वन बाई टू हो गया, ये भी वन बाई टू हो गया और ये भी वन बाई टू हो गया। अब आप देखो हाफ बेरियम से हाफ बेरियम गया, है ना, तो क्या बच गया आपके पास लास्ट में, एन एच फोर पॉजिटिव प्लस सी एल माइनस प्लस वन ओ एच माइनस, क्योंकि ये वन बच गया और यहां से भी वन, माइनस Cl माइनस। अब देखो ये यहाँ से यहाँ ये गया, क्या बच गया आपके पास लास्ट में, NH4OH बच गया आपके पास। हाँ भैया। इस वजह से मैंने हाफ किया, बस जिस फॉर्म में आपने इनको ऐड किया है उसी फॉर्म की फॉर्म में इनकी वैल्यू को ऐड कर दो लास्ट में। कैसे करोगे, इक्वल टू थर्ड इक्वेशन की वैल्यू कितनी थी, 120। आप चाहो ना तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लास्ट, यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख सकते हो, जहां लिखी ना मैं इसकी वैल्यू यहां लिख सकते हो, लैम्डा बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू आई। आप ऐसे इन्फॉर्म करने के लिए उसे बता सकते हो कि इसकी वैल्यू मेरी आई 457.67 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आप ऐसे करके बता सकते हो। तो यहां पर वैल्यू कितनी आई मेरी, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू है मेरी 129.8 प्लस हाफ इंटू फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है 457.6 माइनस हाफ, सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू कितनी है मेरी 240.6। इसे सॉल्व करके देखो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और कोई पूछे ना आपसे ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आपकी किसकी आई है, ये लेमडा इन्फिनिटी फॉर एन एच फोर ओ एच, ये लो। बताओ किस बच्चे को डाउट है, नहीं तो मैं दोबारा बताता हूँ, जिस बच्चे को डाउट है मेरे से दोबारा पूछ लो। बोलो भाई। नहीं भैया। नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं? क्लियर है भैया। क्लियर है? हाँ जी। हाँ अभी आपको आया बेटा समझ में? इसकी तो आवाज नहीं आती, पता नहीं इसका माइक खराब है क्या खराब है। चलो अब आगे देखना, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन, ट्राई करना। मैंने इसे कहाँ करा दिया, कहाँ जगह खाली थी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना एक बार ट्राई करके। NaOH की जो वैल्यू है ना, लैम्डा इन्फिनिटी फॉर NaOH की जो वैल्यू है वो कितनी है,
मैं इसे ना पूरी स्टेटमेंट लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया भी होगी, मैंने ये सिर्फ वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH कॉमा NaCl एंड बेरियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर 2.481 into 10 raised to power -2, comma 1.265 into 10 raised to power -2 and 2.800 into 10 raised to power -2 Simon centimeter square मोल इनवर्स। क्वेश्चन कैलकुलेट दी लैम्डा एम इनफिनिटी फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड। ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन, ईमानदारी से ट्राई करो, और नहीं सॉल्व होता तो करो ट्राई नहीं बेटा, ये क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। अभी तो सिर्फ लैम्डा इनफिनिटी निकलवा रहा हूं, अभी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलवाऊंगा तो और पता चलेगा कैसे निकालते हैं। ये तो वन ऑफ दी हाफ पार्ट है, जो क्वेश्चन पूरा एग्जाम में आता है उसका भी आधा आधा हिस्सा है ये तो। ठीक है मीटिंग मैं एक बार मीटिंग को बेटा मैं एक बार मीटिंग को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी कम रहता है, एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लो। सर 5.232 इंटू 10 टू पावर -2 सर 2.616 इंटू 10 टू पावर -2 5.232 इंटू 10 टू पावर -2 सर ये कैलकुलेशन में नीचे वो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई थी मैंने सोचा दो से डिवाइड करना
हाँ तो दो भैया, मेरा एक दो बार तो निकल जाता है। अरे एक दो बार तो निकल जाता भैया, ठीक है बता तो देता हूँ। भैया 5.89 कुछ इंटू 10^-3 0.89 इंटू 10^-3 ठीक है। OH माइनस भैया आंसर 5.232 है। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, दो, हाँ भैया,
हो गया फिर दोबारा कराया मैंने किया था भैया हाँ भैया आ गया हाँ हाँ भैया अभी आप सर कंडक्टिविटी इसका रेजिस्टिविटी का सूत्र कप्पा ए भैया भैया ट्राई करेंगे हाँ भैया की वैल्यू जी वो 0.01 0.0162
अल्फा की वैल्यू 0.0162। सर्कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर? नहीं कल नहीं, बैटरी रह जाएगी बेटा। सर बैटरी को तो बाद में कर लें क्या, अब तक कट जाए बैटरी? चलो देखते हैं, बैटरी को बाद में करेंगे, नहीं तो मैं भी यही सोच रहा हूँ, बैटरी और कोरोजन रह जाएंगे, वो बाद में करने ही सोच रहा हूँ मैं भी, क्योंकि तो बैटरी का किसी के साथ रिलेशन तो है नहीं अगले चैप्टर में। नहीं किसी का कोई किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वैसे ना आपकी क्लास रिकॉर्ड करी थी मैंने, लास्ट का हिस्सा म्यूट रह गया, वही लास्ट का जो सेकंड सेशन था वो म्यूट ही है, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, करो। किया किसी बच्चे ने? चलो इस क्वेश्चन को ना या अल्फा की वैल्यू 4.171 × 10⁻²। आंसर तो यही है लेकिन डेसिमल में कुछ गलती है, कैलकुलेशन में कुछ गलती करी है। अच्छा ठीक है, इसे सॉल्व करना घर पे, मतलब घर पे मतलब आराम से बैठ के, और फिर बाकी कल डिस्कस करेंगे इस आंसर को। या अल्फा की वैल्यू 0.0417। हां शाबाश, यही आंसर है इसका, अल्फा की वैल्यू 0.0417 है, बिल्कुल शाबाश, गुड। या मैंने डेसिमल पावर में ले दिया। हां तो वही गलती करी ना। अच्छा पावर बोली थी आपने मेरे को, मैंने सुनी नहीं। हां फिर ठीक है, फिर आपका भी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सुना आपने डायरेक्ट वैल्यू बोल दी 417 कुछ समथिंग। ठीक है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ कुल कुल मिला के 5-7 बच्चों का रिस्पॉन्स आता है जब भी मैं क्वेश्चन क्वेश्चन देता हूँ, बाकी सारे बच्चे मुझे पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। प्लीज कह रहा हूँ दोबारा से ट्राई कर लो, मेहनत कर लो, बहुत जरूरी है। देखो कितने दिन चलेगा पता नहीं, ये मेरे भी हाथ में नहीं है, मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि ऑफलाइन क्लास शुरू हो, थोड़ा बहुत कुछ कर सके ऑनलाइन क्लास में, लेकिन करें क्या, खाली बैठोगे इससे भी जीरो हो जाओगे, लेकिन ये टाइम क्रूशियल है ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है, मैंने आपने देखा था, मैंने इसलिए देखो आज 1 मई को शुरू किया था चैप्टर, आज 21 तारीख की, चैप्टर मेरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत फास्ट कराया है, नहीं तो ये चैप्टर मतलब ज्यादा नहीं कह रहा, 15 दिन से ऊपर चैप्टर नहीं है बिल्कुल भी है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। 15 यही चैप्टर मतलब अगर बहुत फ्रेंकली अगर ऑफलाइन क्लास में तो 15 से 16 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था ये, लेकिन आप सोच रहे हो 1 हफ्ता में एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, हर एक न्यूमेरिकल जैसे सॉल्यूशन चैप्टर के भर भर के न्यूमेरिकल करे थे, ऐसे ही इस चैप्टर के भर भर के, कहीं कंजूसी नहीं करी मैंने, इसलिए कह रहा हूं आप लोग भी कंजूसी मत दिखाओ। चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं बेटा।